इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू मोहम्मद है, जबकि मुख्तलिफ कुतुब में आपके मुतअद्दिद अलकाब जिक्र हुए हैं, जिनमें मशहूर तरीन अस्करी है, जिसका सबब शहर सामर्रा के मोहल्ले अस्कर में आपकी रिहाइश या बाल्फाज़े दीगर किलाबंदी है। ज़की यानी पाक व तस्किया याफ्ता आपका दूसरा मशहूर लकब है। इल्म व इबादत। बेशक हर मासूम का इल्म मंबाए वही से माखूज़ हुआ करता था, और हत्ता दुश्मनों और मुखालिफीन ने तस्दीक की है कि आयमा अलैहिस्सलाम का इल्म इस कदर वसी था कि बयान के दायरे में नहीं समाता। इमाम अलैहिस्सलाम के अहकामात, फरामीन, अक्वाल, दुरूस, पैगामात और आपसे मनकूला अहादीस और रिवायात से आपकी दानिश का इजहार होता है। बुजुर्ग ईसाई आलिम बख्शती शो अपने शागिर्द बातरीक से कहता है, इब्नुर रज़ा अबू मोहम्मद अस्करी की तरफ चले जाओ और जान लो कि हमारे ज़माने में आसमान तले उनसे बड़ा कोई आलिम नहीं है, और ख़बरदार अगर वो तुम्हें कोई हुक्म दें तो हरगिज़ एतराज़ मत करना। आपकी हयात तैयबा खुदाए मेहरबान से उन्स व मोहब्बत और सब्र व शुक्र का आला नमूना थी। मोहम्मद शाकरी ने रिवायत की है कि मेरे मौला और उस्ताद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम मेहराब इबादत में सजदे में चले जाते थे, और आपका सजदा और जिक्र और दुआ का ये सिलसिला इस कदर तवील हो जाता था कि मैं सो जाता था और जाग जाता और देखता था कि आप अभी सजदे की हालत में ही हैं। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के सजदे रात को फजर से मुत्तसिल कर देते थे, और आप अलैहिस्सलाम की आरिफाना मुनाजात हर मुर्दा और दुनिया ज़दा दिल को आसमानी हयात बख्श देती थीं। आप अलैहिस्सलाम ने अपने जद्दे अमजद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मानिन दुनिया को तीन तलाक़ें दी थीं, और दुनिया की नेमतों से अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उठाना पसंद नहीं फरमाया करते थे, और अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ आखरत का खाना तामीर करने में मसरूफ़ रहते थे। ज़िंदगी दुश्मन के मुहासरे में। मामून की मौत के बाद मोतसिम अब्बासी बगदाद में दाखिल हुआ और लोगों से अपने लिए बयत ली, और उसके बाद हुकूमत में आला मनासिब पर मौजूद तुर्कों की मदद से बगदाद के शुमाल मशरक़ में शहर सामर्रा की बुनियाद रखी। इस शहर में उसने एक मोहल्ला फौजियों को मुख्तस किया, जिसको अस्कर कहा जाने लगा। अब्बासी हुकुमरान अपने अब्बासी और उमवी असलाफ की मानिंद शियाने आले मोहम्मद और बतौर ख़ास फरजंदाने रसूल आयमाए ताहरीन अलैहिस्सलाम से खौफ ज़दा रहते थे। चुनाचे सामर्रा की तामीर के बाद इमाम अली नकी अल हादी अलैहिस्सलाम और आपके फरजंदों बिलखसूस इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को अस्कर के मोहल्ले में नज़रबंद रखा गया, और ये मोहल्ला आले मोहम्मद के जबरी मस्कन में तब्दील हुआ। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का मुहासरा इस कदर शदीद था कि अहले ख़ानदान और दोस्तों का आपसे राबता तकरीबन नामुमकिन था। फैज़े दीदार से महरूमी। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम 6 साल के मुख्तसर अरसे तक मनसब इमामत इलाहिया पर फाइज रहे, और आपकी इमामत का पूरा दौर
मोहल्ले अस्कर में गुजरा। शियाने आले मोहम्मद आपके फैज़े दीदार से महरूम थे और शियाने पैरवाने आले मोहम्मद की खबरें और मालूमात चंद ही अफराद के ज़रिए इमाम को पहुँचती थीं और इमाम के फरामीन और अहकामात भी उन्हीं अफराद के ज़रिए शियाने आलम को पहुँचा करते थे। ये लोग खुफिया तौर पर मोहल्ले की निगरानी करने वाले फ़ौजी दस्तों में नफूस कर चुके थे या मुख्तलिफ तरीक़ों से मोहल्ले में आमदोरफ्त किया करते थे। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम पर शदीद दबाव, अब्बासी हुक्मा आयमा अलैहिस्सलाम पर मुसलसल दबाव बढ़ा रहे थे और इमाम अली इब्ने मूसे रज़ा अलैहिस्सलाम के बाद इस दबाव में शिद्दत आई थी और दबाव इमाम जव्वाद, इमाम हादी और इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम के ज़माने में अपने उरूज को पहुंचा था और 11वें इमाम के ज़माने में इस दबाव में बहुत ज़्यादा शिद्दत लाई गई थी, क्योंकि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़माने में शियाने अहले बैत ने बहुत ज़्यादा पेशरफ्त की थी और आयमा अलैहिस्सलाम पर दबाव का सबब भी यही पेशरफ्त थी। इमाम अस्करी के ज़माने में पैरवाने आले मोहम्मद एक बड़ी ताकत में तब्दील हुए थे, चुनाचे दबाव में भी उसी तनासुब से शिद्दत आई थी। शियाने आले मोहम्मद अब्बासी मलूकियत को जायज़ हुकूमत नहीं समझते थे और उनका अकीदा था कि हुकूमत का शरई और कानूनी हक सिर्फ आले मोहम्मद के आयमा को ही पहुंचता है। इस ज़माने में ख़ानदान आले मोहम्मद में मुमताज़ तरीन शख्सियत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की थी और फिर मुतादिद रिवायात व अहादीस से साबित था कि ज़ालिम और इस्तबदादी हुकूमतों को मुनहदम कर देने वाले बारहवें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत से होंगे। चुनाचे अब्बासी खलीफा ने मूसा वक्त की पैदाइश का रास्ता रोकने के लिए फिरौन के तमाम कामों की तकलीद की और हर जहद से इमाम को ज़ेरे निगरानी रखा। दुश्मन का किरदार, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम उसी वक्त से मुहासरे में थे जब इमाम हादी को अस्कर में नज़रबंद किया गया। यूँ आपकी उम्र के 20 साल मुहासरे में गुजरे, लेकिन खबीस बादशाहत के मनहूस अजाइम महज मुहासरे और नाकाबंदी से पूरे नहीं हो सकते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि क़ुरान की तरह इतरत यानी ख़ानदान मोहम्मद किसी सूरत में दुश्मनों के साथ साज़बाज नहीं कर सकता था और उनकी शमे हिदायत शियाने आलम के दरमियान बुझना मुहाल था। चुनाचे वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को कमज़ोर करने के नित नए मंसूबों में मसरूफ़ रहते थे और इमाम को आज़ार व अज़ियत पहुँचाने और दुश्वारियाँ पैदा करने के मंसूबे बनाते रहते थे और यूँ इमाम और पेशवा से फैज़ हासिल करने के सिलसिले में पैरवाने आले मोहम्मद को भी दुश्वारियों से दोचार करते थे। दुश्मन की साजिशें, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के एक भाई का नाम जाफर था, जिसको दुश्मन ने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। जाफर इमाम हादी अलैहिस्सलाम के बड़े भाई होने के नाते इमामत का दावेदार था और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत तक इसी दावे पर कायम था। बनी अब्बास भी, जो असूलन आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम और उनकी इमामत के खूनी दुश्मन थे,
उसको अपने दावे पर कायम रहने की तरगीब दिलाते रहते थे। चुनाचे उस शख्स का अब्बासी बादशाह के दरबार में आना जाना था और बादशाह और उसके दरबारियों के कान भरने और इमाम को अज़ियत पहुंचाने में मसरूफ़ रहता था। इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद अब्बासी बादशाह मोतमिद ने आपका तरका आपकी वालदा और भाई जाफ़र के दरमियान तकसीम किया और यूं लोगों को ये जिताने की कोशिश की कि गोया आपकी कोई औलाद नहीं थी और आप बे औलाद ही दुनिया से रुखसत हुए हैं और यूं वो मुसलमानों को बारहवें इमाम के वजूद से मायूस करना चाहता था। लेकिन उसको शायद ये मालूम न था कि शियान आले मोहम्मद का अकीदा था कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का एक बेटा आपके बाद इमाम बरहक है और कई नुमाया शिया उल्मा और शख्सियात ने उनसे मुलाकात भी की है और सबको मालूम है कि वो अपने वालिद की शहादत के बाद पर्दा गैबत में जाने वाले हैं। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने भी इस सिलसिले में अपने पैरोकारों को पहले ही से तैयार कर रखा था। गैबत इमाम ज़माना के लिए माहौल साजी। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपने नहायत दुश्वार अय्याम हयात में मुसलमानों को इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजक की गैबत के लिए तैयार किया और इस अम्र को अपनी अहम तरीन जिम्मेदारी की हैसियत से अंजाम देते रहे। इसी बिना पर आप कम ही आवाम से रबते में रहते थे और कम ही लोगों से मुलाकात करते थे और फिर मुलाकात का इम्कान भी कम ही था, जो मुमकिन है कि अल्लाह की हिकमत का तकाजा भी रहा हो। आप अपने ख़ास नायबीन के ज़रिए आवाम से रबते में रहते थे और लोगों के दीनी मसाइल भी उनके तवसुत से हल किया करते थे और उल्मा के खतूत व मकातीब भेज कर ज़रूरी हिदायत दिया करते थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने इस रविश से अपने फ़र्जंद की गैबत के लिए माहौल तैयार किया और लोगों को इमाम से दूर रहकर फैज़याब होने का आदि बनाया ताकि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की गैबत उनके लिए गैर मामूल और नामानूस ना हो। इमाम महदी अलैहिस्सलाम का तारुफ़। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम अली इब्ने हुसैन इब्ने बाबिया कुम्मी के नाम तहरीर फरमाते हैं, हमेशा के लिए सब्र व इस्तकामत का दामन थामे रखना और अपने इमाम गायब का इंतज़ार करते रहना। हमारे शिया मुसलसल गम व अंदोह में ज़िंदगी बसर करते हैं जब तक कि मेरे फ़र्जंद का ज़हूर नहीं होता, जैसा कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बशारत दी है। वो वही हैं जो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे, जैसा कि ये ज़ुल्म व सितम से भरी हुई होगी। ज़मीन हुज्जत इलाही से कभी खाली नहीं होगी। अहमद इब्ने अस्हक कहते हैं, मैं इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की खिदमत में शर्फियाब हुआ। मैं इमाम से आपके बाद के इमाम के बारे में पूछना चाहता था। इमाम ने मेरे सवाल पूछने से पहले ही फरमाया, ए अहमद, खुदा अज़्ज़ुजल ने जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क फरमाया है, एक लम्हे के लिए भी ज़मीन को हुज्जत से खाली नहीं छोड़ा और क़यामत तक भी उसको हुज्जत से खाली नहीं छोड़ेगा। परवरदिगार आलम हुज्जत व इमाम के तवसुत से ज़मीन वालों से बलाएं टालता है
और उसकी बरकत से बारिशें बरसती हैं। उसके बाद फरमाया, खुदा की कसम वो गायब होंगे और इस गैबत के दौरान कोई भी गुमराही और हलाकत से छुटकारा ना पा सकेगा सिवाय उन लोगों के जो उनकी इमामत पर साबित कदम रहते हैं। मैंने पूछा, ए फर्जंदे रसूल, आपके बाद हमारा इमाम कौन है? चुनाचे इमाम तेज़ी से उठे और घर के अंदर तशरीफ़ ले गए और एक 3 साला फर्जंद के हमरा वापस आए जिनका चेहरा 14वीं के चांद की मानिंद चमक रहा था और फरमाया, ए अहमद इब्न इसहाक, अगर तुम खुदा और उसके औलिया और हुज्जतों के हाँ अजीज ना होते तो मैं ये फर्जंद तुम्हें ना दिखाता। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने हर किस्म के दबाव और अब्बासी हुकूमत की जानिब से सख्त निगरानी के बावजूद दीन इस्लाम की हिफाजत और इस्लाम मुखालिफ अफकार का मुकाबला करने के लिए मुतादिद सियासी इज्तमाई और इल्मी इक़दामात अंजाम दिए और इस्लाम की नाबूदी के लिए अब्बासी हुकूमत के इक़दामात को बेअसर कर दिया। सबसे पहले तो दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए इल्मी जिद्दोजहद, मुखालिफों के शुकूक व शुबहात का जवाब, दुरुस्त इस्लामी अफकार व नज़रियात का प्रचार, खुफिया सियासी इक़दामात, शियों की और बिलखुसूस नज़दीकी साथियों की माली इमदाद, मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए शिया बुज़ुर्गों की तकवियत और उनके सियासी नज़रियात की पुख्तगी, शियों के फ़िक्री इस्तेहकाम और मुनकरीन इमामत को कायल करने के लिए गैबी इत्तलात से वसी इस्तफादा किया और अपने बेटे 12वें इमाम की गैबत के लिए शियों को ज़हनी तौर पर तैयार किया। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दौर में पाबंदियों की वजह 2 वजूहात की बिना पर थीं। इन सख्तियों की एक वजह मुआशरे में इमाम अलैहिस्सलाम की सरशनास और मौजिज शख्सियत थी और दूसरा सबब यह था कि उस दौर में इराक़ में शिया एक ताकत बन चुके थे जो किसी अब्बासी हुक्मरान के इक्तदार को जायज़ नहीं समझते थे। उनका ये अकीदा था कि अल्लाह की जानिब से इमामत हज़रत अली के फ़र्जंदों में बाकी है और इस ख़ानदान की वाहिद मुमताज़ शख्सियत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम हैं। इसीलिए इमाम दूसरों से ज़्यादा हुकूमत की नज़रों में थे। अब्बासी हुक्मरान और उनके चाहने वाले जानते थे कि महदी मऊद बरहक जो कि तमाम जालिम हुकूमतों का ख़ात्मा कर देंगे वो नस्ल इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से ही हैं। इसीलिए वो हमेशा इस तलाश में रहते थे कि आपके बेटे को कत्ल कर दें। ये नज़रबंदी, सख्तियाँ और ज़ुल्म व सितम इस नहज तक पहुँचे कि ज़ालिम हुक्मरान वक्त ने इमाम को जहर देकर शहीद कर दिया। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आपके जनाजे अतहर को गुस्ल व तकफीन के बाद इमाम के घर के सहन में रखा गया था। आपका भाई जाफ़र आगे बढ़ा और इमाम के जनाजे की नमाज़ पढ़ाने की कोशिश की। अभी उसने तकबीर कहना ही चाही थी कि एक गंदुमी रंग और स्याह बालों के कमसिन बच्चे ने बाहर आकर जाफ़र का लिबास पकड़ लिया और उसको पीछे धकेल कर फरमाया, चचा हट जाइए, मुझको ही अपने वालिद के जनाजे की नमाज़ पढ़ानी चाहिए। जाफ़र ऐसी हालत में पीछे हट गया
कि उसके चेहरे की हालत बिगड़ गई थी, लेकिन वो कुछ भी ना कह सका। फर्जंदे इमाम ने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के जनाजे अतहर की नमाज पढ़ाई और वो हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम थे, वही जिनके आने का इंतज़ार है, वही जो इस ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे जिस तरह के ये जुल्म व जोर से पुर होगी। बहरहाल साजिश नाकाम हो चुकी थी और नमाज जनाजा के बाद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को आपके वालिद माजिद हजरत इमाम हादी अलैहिस्सलाम के पहलू में सुपुर्दे खाक किया गया। इस तरह की मजीद तहकीकी इल्मी और तारीखी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स के ज़रिए बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए खुदा निगहदार।